अब यहाँ पे हमने कॉलम चार्ट लिया हुआ, आपके सामने दिख रहा है कॉलम चार्ट, हमने कॉलम चार्ट बना लिया, सब्जी फॉर्मेटिंग जो करना है हमने कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे चार्ट में कुछ और चीज भी ऐड करनी थी, जैसे कि टारगेट। तो आपने चार्ट लगाने के बाद अपना टारगेट ऐड कर दिया, और टारगेट ऐड करने के बाद दिक्कत क्या हो गया कि अब चार्ट में इसको डालना है कैसे डालें? क्या मैं दोबारा से चार्ट लगाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं, जैसे आप चार्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका डेटा यहाँ दिख रहा है, जहाँ से इसको आप यहाँ से इस ट्रैक कर के बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तभी कर सकते हैं जब आपका चार्ट और आपका डेटा सेम सीट पे हो, अगर डिफरेंट सीट पे होगा तो मुश्किल होगा। तो उस केस में हम चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट डेटा। यहाँ पे आपका सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा के अंदर चाहिए। ऐड कीजिए सीरीज, यहां पे सीरीज का नाम जैसे कि मैंने डाल दिया टारगेट, और डेटा सीरीज हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं।